नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कल का बाजार। और मॉरेटोरियम पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई का असर बाजार पर भी पड़ा। आखिरी घंटों में बाजार में शानदार रिकवरी आई, खासतौर पर बैंक शेयरों में, जहां इंडेक्स दिन के निचले स्तरों से 750 अंकों से ज्यादा सुधरकर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 150 पॉइंट रिकवर होकर 11971 पर बंद हुआ है। हालांकि छोटे मझोले शेयरों में आज भी सुस्ती रही। वहीं बैंक के साथ फाइनेंस शेयरों में भी छलांग लगाई। रियल्टी के लिए भी कुछ शेयरों में हमने खरीदारी देखी आज के सेशन में, लेकिन 12 शेयरों की रिकॉर्ड तेजी के बाद आईटी इंडेक्स आज सुस्त आया। आज के अगर संस्थागत निवेशकों के आंकड़े आपके सामने लाए तो एफआईआई ने खरीदारी की है कैश मार्केट में 822 करोड़ की, और डीआईएस की ओर से बिकवाली हुई है 1276 करोड़ की। आज के जानकार ट्रेडबुल से सिद्धार्थ उत्तेकर हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे एक आउटलुक लेते हैं मार्केट्स पर, उसके बाद आपके सवालों को करेंगे शामिल। ये शो फेसबुक ट्विटर पर लाइव भी है, तो अपनी क्वेरीज आप वहां भी हमें भेज सकते हैं। सिद्धार्थ नमस्कार, पहले तो बाजार पर ही अपना व्यू दीजिए। थोड़ी वीकनेस हमने फर्स्ट हाफ में देखी थी, लेकिन आखिरी के घंटे में एक रिकवरी बनी निचले स्तरों से। कल वीकली एक्सपायरी भी है, तो क्या रेंज आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं और क्या स्ट्रैटेजी रिकमेंड करेंगे? गुड इवनिंग दीपाली जी। दीपाली जी, जिस तरीके से ये रीबाउंड हुआ है, एक काफ़ी क्रिटिकल लेवल था अराउंड 11,880 के आसपास का, एंड जिस तरीके से ये पर्टिकुलर लेवल डिफेंड हुआ है एंड इसके ऊपर की क्लोजिंग आई है, तो मुझे लग रहा है जिस रफ्तार से ये रिबाउंड हुआ है कल के एक्सपायरी, मुझे लग रहा है कहीं जाकर 12,060 जो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है प्राइस वेव स्ट्रक्चर के हिसाब से, मुझे लग रहा है उसके ऊपर ही शेप अप होनी चाहिए। तो यहाँ पर जिस तरीके से पिछले 12 दिन की सीक्वेंस रही है, एक हायर टॉप हायर बॉटम मार्केट ने अच्छी तरह मेंटेन किया है, तो मुझे लग रहा है ये पर्टिकुलर हायर टॉप हायर बॉटम सीक्वेंस तब तक वैलिड है जब तक 11,880 के नीचे निफ्टी क्लोज नहीं देता तब तक। एंड जिस तरीके से अनलॉक हुआ है ये मोमेंटम आज के सत्र में, मुझे लग रहा है कि कल ये पर्टिकुलर मोमेंटम कैरी फॉरवर्ड होना चाहिए एंड कहीं जाकर 12,060 से लेके 12,100 इस पर्टिकुलर रेंज में कल की एक्सपायरी शेपअप होनी चाहिए। बैंकिंग जो काफ़ी समय से लगाड़ था एंड जिस तरीके से यहाँ पर भी एक रिबाउंड हुआ है इवेंट के वजह से, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर बहुत बड़ी आउट परफॉर्मेंस आ सकती है। सो जिस तरीके से इसके भी बाउंड है, आई वोंट बी सरप्राइज कि कल की एक्सपायरी कहीं जाकर 24,300 से 24,500 इस पर्टिकुलर रेंज में शेपअप होनी चाहिए। नीचे के बाउंड अगर वहाँ पर भी देखें तो 23,500 एक निर्णायक लेवल था और उसके ऊपर कॉन्फिडेंटली निफ्टी ने, बैंक निफ्टी ने भी क्लोजिंग दी है, तो मुझे लग रहा है ओवरऑल जो मोमेंटम आज सेकेंड हाफ में बना है वो कल के सत्र में भी कैरी फॉरवर्ड होते हुए नजर आए। ठीक है, तो स्ट्रैटेजी लेवल्स आपको बताए हैं निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों पर, लेकिन चलिए अब सवालों करते हैं शामिल। मनीषा तिवारी हमारे साथ हैं दिल्ली से फोन लाइन पर। मनीषा जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्ते मैम, मेरे पास एलएनटी के 200 शेयर हैं 1170 की प्राइसिंग पे, तो मैं अब क्या करूं, एवरेज करूं या एग्जिट कर लूं, समझ नहीं आ रहा है। 915 पर ट्रेड कर रहा है, तो आपके खरीदारी के भाव से लगभग 250 रुपए नीचे है ये स्टॉक, तो नुकसान तो है। सिद्धानंद क्या सजेशन रहेगा? क्वांटिटी भी ठीक ठाक है क्योंकि 200 शेयर्स हैं इनके पास 1170 के प्राइस पर, यहाँ एवरेज कर लें और या फिर कोई और सजेशन है? दीपाली जी, यहाँ पर जो प्राइस स्ट्रक्चर इवॉल्व हुआ है, मुझे लग रहा है यहाँ पर एक काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है जहाँ पर स्टॉक वो ऐड कर सकते हैं, इनफैक्ट एवरेज करने की ही सलाह होगी। अगर हम वीकली चार्ट्स मंथली चार्ट्स देखें तो वहाँ पर जिस तरीके से प्राइस फॉर्मेशंस है, मुझे लग रहा है रिबाउंड हुआ है वो काफ़ी कॉन्फिडेंट है। वीकली चार्ट्स पर एक राइजिंग चैनल फॉर्मेशन में है एंड उस पर्टिकुलर चैनल के लोअर एंड से ही ये पर्टिकुलर रिबाउंड अनलॉक हुआ है, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर डेफिनेटली उनको थोड़ी सी पोजीशन ऐड करनी चाहिए। ट्रेडिंग के लिहाज से मुझे लग रहा है 840 एक निर्णायक लेवल होगा, अगर उसके नीचे क्लोजिंग होती है तो ही ये पर्टिकुलर सेटअप इनवैलिड होगा। एंड जिस तरीके से ये स्ट्रक्चर है, इसके 200 डे मूविंग एवरेज कहीं जाकर अराउंड 1020-1050 इस पर्टिकुलर जोन में है, तो वहाँ तक मुझे लग रहा है ये पर्टिकुलर मूव एक्सटेंड होनी चाहिए। तो काफ़ी दिनों से एक अंडर परफॉर्मर था, मुझे लग रहा है अभी मार्केट के चाल के साथ ये भी उभर रहा है, तो यहाँ पर डेफिनेटली लॉन्ग बायस रखना चाहिए। पर्सनली वी आर एक्सपेक्टिंग कि 1050 तक ये पर्टिकुलर रैली एक्सटेंड होनी चाहिए, सो 840 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह होगी। ऐड कर सकती हैं इन लेवल्स पर और भी, 1050 के पहले टारगेट्स हैं, 840 के स्टॉप लॉस के साथ आप होल्ड कीजिए। अगले कॉलर हमारे साथ सत्यनारायण हैं चंद्रपुर से। सत्यनारायण जी नमस्ते, बताइए क्या क्वेश्चन है आपका?
हाँ नमस्ते मैडम, मेरे पास सुबिक्स है, 85 का भाव पे 1000 शेयर्स है। तो मैं इस कंपनी का अभी न्यूज आया था हाल फिलहाल में इक्विटी डाइल्यूशन करके, उसका बारे में जानना चाहता था। सुबिक्स में हालांकि सजदानंद आपको सिर्फ चार्ट्स पर ही राय दे पाएंगे। काफी ऊपर की खरीद, पुरानी खरीद इनकी लग रही है। हालांकि जिस खबर की ये बात कर रहे हैं, कंपनी का प्लान यही था कि इन्होंने इनफैक्ट अप्रूवल भी दिया था अपने शेयर कैपिटल में रिडक्शन के लिए, जिसका अप्रूवल एनसीएलटी की ओर से मिला था। ये सुबिक्स का प्रपोजल था, लेकिन ऑलरेडी ये स्टॉक इतना करेक्ट हो चुका है, फंडामेंटल्स तो इसके काफी खराब हैं ही, लेकिन चार्ट्स पर कोई पॉसिबिलिटी लग रही है थोड़े और रिवाइवल की सजदानंद? देखिए यहाँ पर कंपनी फंडामेंटल्स तो काफी खराब है, एंड मुझे लग रहा है कि पिछले 3-4 हफ्तों से जो मोमेंटम मिला है वो मुझे लग रहा है कहीं जाकर एक न्यूज फ्लो के वजह से ही है। बट स्ट्रक्चर अभी भी काफी वीक ही है। इनफैक्ट यहाँ पर अगर वो एक्सटेंडेड रैली मिल भी जाती है तो क्लियरली यहाँ पर सलाह होगी कि अपनी जो पोजिशन अटकी हुई है उसमें से उनको निकल जाने की ही कोशिश करनी चाहिए, होप पर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर प्राइस फॉर्मेशन इतनी कोई सिग्निफिकेंट नहीं है। हाँ ज़रूर ₹2 के आसपास से वो स्विंग बना है एंड स्टॉक अभी 14 के आसपास है, तो यहाँ से भी अगर 20-25 का भाव भी मिल जाता है तो मुझे लग रहा है वापस सलाह यही होगी कि कोई बेटर स्टॉक्स में शिफ्ट कर लेनी चाहिए पोजीशन। ओवरऑल स्ट्रक्चर इस पर्टिकुलर स्टॉक का काफ़ी वीक है एंड फंडामेंटल्स भी काफ़ी अनहेल्दी है, तो डेफिनेटली यहाँ पर एग्जिट रूट ही देखना चाहिए। 20-25 के रेंज में अगर भाव मिल जाता है तो डेफिनेटली वहाँ पर अपने जो लॉस है वो बुक कर लेना चाहिए। ठीक है, तो उछाल पर बेचने की ही सलाह है। सुबिक्स के फंडामेंटल्स तो काफ़ी ख़राब हैं ही, और जिस इक्विटी डाइल्यूशन की आप बात कर रहे हैं, दरअसल 24 सितंबर को जो बोर्ड मीटिंग थी सुबिक्स की, उसमें ये इन्फॉर्मेशन उन्होंने शेयर की थी कि एनसीएलटी ने अप्रूवल उनको दे दिया है अपने इक्विटी शेयर कैपिटल को रिड्यूस करने के लिए, तो ये न्यूज़ आई थी। लेकिन चलिए आगे बढ़ेंगे। आश्रम हजारिका ने हमें फेसबुक के जरिए सवाल भेजा है मनापुरम फाइनेंस पर। इनके पास 164 के भाव के शेयर्स हैं, और सिद्धानंद गौर करने वाली बात यह है कि एक हफ्ते के लिए ये पोजीशन होल्ड कर सके हैं। मुनाफा इनको लगभग 2.5 रुपए का हो रहा है, अभी ले लेंगे प्रॉफिट्स या फिर होल्ड रखें? देखिए फिलहाल तो मुझे लग रहा है कि उनको होल्ड करनी चाहिए पोजीशन। स्टॉप लॉस काफी क्लियर है, यहाँ पर पिछले 7 दिनों से स्टॉक एक ही पर्टिकुलर रेंज में है, अराउंड 170 एक रेजिस्टेंस जरूर है, बट काफ़ी अच्छा सपोर्ट है अराउंड 160-162 इस पर्टिकुलर रेंज में। तो मुझे लग रहा है 162 के स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन होल्ड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट अगर 170 ये पर्टिकुलर लेवल ब्रीच हो जाता है तो इमीडिएट रेजिस्टेंस अराउंड 182 के आसपास है, जहाँ पर उनको अपनी पोजीशन रिव्यू करनी चाहिए। ट्रेंड के लिहाज से कहीं पर बड़ा डिस्टॉर्शन नहीं है, एक हेल्दी ट्रेंड में है काउंटर, एक अच्छे साइडवेज कंसोलिडेशन से उबर रहा है। तो मुझे लग रहा है 170 अगर ब्रेकआउट एस्टैब्लिश हो जाता है तो 182 तक एक रैली मिल सकती है, जिसे उनको पार्टिसिपेट करना चाहिए 162 के स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, तो मनापुरम फाइनेंस पर आपको राय दी गई है, लेवल्स भी बताए गए हैं एक हफ्ते के हिसाब से। रितेश कुमार है हमारे साथ फोन लाइन पर दिल्ली से। रितेश जी नमस्कार, बताइए सवाल अपना। नमस्कार मैम, हेलो, बताइए। मैम मैं ये कह रहा था कि मेरे पास वेदांता के शेयर है 122 के हिसाब से 200 शेयर हैं, तो क्या मैं इसे अभी होल्ड करके चलूं कि इसे सोल्ड आउट कर दूं, क्योंकि ऑलरेडी ये लॉस में जा रहा है? पूछ लेते हैं, और लॉस में जाने की वजह तो रही है, डीलिस्टिंग ऑफर इनअप्रोप्रिएट, उसके बाद डीलिस्टिंग का फेल होना, एक पेन हम देख चुके हैं स्टॉक में, स्पेशली एक दिन पहले के सेशन में। अब क्या सजेशन है इनके लिए? 122 की खरीदारी है इनकी, वेदांता में क्या करना चाहिए इनको? दीपाली जी, जिस तरीके से एक रैली बनी थी अप्रैल के स्विंग लोज जो बॉटम बने थे वहां से लेके 140 तक को, आई थिंक उसका जो ऑलमोस्ट 61.8% रिट्रेसमेंट ऑलरेडी हो चुका है, एंड जो इवेंट था वो आई थिंक इवेंट अभी ऑलरेडी अनफोल्ड हो गया है। तो मुझे लग रहा है जिस तरीके से वापस थोड़ी सी स्टेबिलिटी आ रही है काउंटर में, तो सलाह यही होगी कि अगर इनके पास थोड़ा सा टाइम है, समय दे सकते हैं, तो यहाँ पर होल्ड करने की सलाह होगी। 85 एक इम्पॉर्टेंट लेवल होगा ऑन अ क्लोजिंग बेसिस, जब तक ये पर्टिकुलर लेवल वैलिड है मुझे लग रहा है होल्ड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड जिस इंटेंसिटी से ये ड्रॉप हुआ था तो मुझे लग रहा है अगर रिबाउंड भी होता है काउंटर तो अराउंड 120-125 इस पर्टिकुलर जोन में एक पुल बैक आने की गुंजाइश भी है, तो उसी लिहाज से उनको अपनी पोजीशन मेंटेन करनी चाहिए।
122 की उनकी जो कॉस्ट है, मुझे लग रहा है यहाँ पर एक अच्छी प्रोबेबिलिटी बन सकती है, जहाँ पर एक रिबाउंड आने की प्रोबेबिलिटी है जिस तरीके से ये प्राइस अभी एस्टेब्लिश हो रही है। तो 85 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए एंड रिव्यू कीजिए वापस जैसे ही आपका भाव आ जाता है। होल्ड कीजिए 85 के स्टॉप लॉस के साथ और फर्दर रिव्यू करने की सलाह है। रोहित सोनी ने हमें फेसबुक के जरिए सवाल भेजा है जाइडस वेलनेस पर 120 शेयर 1890 के प्राइस पर खरीदे हुए, 6 मंथ्स का व्यू है। साथ ही एमएनएम फाइनेंशियल है 168 के प्राइस पर। दोनों ही स्टॉक्स में जो व्यू है सजाना इनका वो 3 मंथ्स का है, तो जानना चाहते हैं क्या करें। देखिए जाइडस में स्ट्रक्चर काफी इंटरेस्टिंग है, इनफैक्ट काफी बड़े कंसोलिडेशन के बाद पिछले महीने में एक अच्छा ब्रेकआउट एस्टेब्लिश हुआ था एंड जिस तरीके का ये कंसोलिडेशन है, यहाँ पर एक ट्रायंगुलर फॉर्मेशन से ब्रेकआउट हुआ है जिसके टारगेट्स लगभग अराउंड 2230 तक के आते हैं। तो अगर इनकी टाइम फ्रेम है बियॉन्ड 3 मंथ्स, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर डेफिनेटली उनको अपनी पोजिशन होल्ड करनी चाहिए 1620 के स्टॉप लॉस के साथ एंड रिव्यू करनी चाहिए लगभग अराउंड 2240 के आसपास। तो डेफिनेटली यहाँ पर होल्ड की सलाह होगी। एंड जो दूसरा स्टॉक है उनका एमएनएम फाइनेंशियल्स, यहाँ पर थोड़ा सा स्ट्रक्चर वीक रहा है एंड इनफैक्ट अगर हम ओवरऑल इसका सेटअप भी देखें तो जो 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है अराउंड 140-145 के जोन में, इसे काफ़ी स्टिफ रेजिस्टेंस है। तो अगर ये उछाल मिल भी जाता है तो मुझे मेरी सलाह होगी कि 145 के आसपास उनको अपनी पोजिशन रिव्यू करनी चाहिए। बट फिलहाल जिस तरीके से मार्केट का मूड एंड मोमेंटम है, स्टॉप लॉस आपको लगाना चाहिए अराउंड 122 के आसपास का ही एंड रिव्यू करनी चाहिए पोजीशन अराउंड 145 के आसपास। ठीक है, तो फिलहाल आप होल्ड कीजिए 145 के आसपास, अपनी इस पोजीशन को आप रीचेक कर सकते हैं। एमएनएम फाइनेंशियल पर ये व्यू है। देहरादून से जीएन उनियाल हमारे साथ हैं फोन लाइन पर। उनियाल साहब नमस्कार, बताइए सवाल अपना। नमस्कार मैडम, मेरा सवाल पेट्रोनेट एलएनजी के ऊपर है। मेरे पास 375 शेयर्स हैं एट एवरेज रेट ऑफ 228। अब ये काफी समय से इसी रेंज में घूम रहा है, तो बताइए इसमें क्या किया जाए, होल्ड किया जाए या कुछ क्या है इसका फ्यूचर? सचिदानंद बताइए, 228 इनका परचेजिंग प्राइस है पेट्रोनेट एलएनजी में, 210 पर बंद हुआ है, तो 17-18 रुपए का नुकसान इनको हो रहा है। कैसा लग रहा है चार्ट्स पर? देखिए चार्ट्स पर तो काफ़ी इंपॉर्टेंट जंक्चर पे है। इनफैक्ट जिस तरीके से इसमें एक 5 वेव डिक्लाइन शुरू हुई थी 270 के आसपास से एंड जिस इंटेंसिटी से पिछले कुछ दिनों में ये पर्टिकुलर स्टॉक स्लाइड हुआ है, मुझे लग रहा है एक काफ़ी बेहतरीन लेवल पे है, एक अच्छे डिमांड जोन पे आ चुका है काउंटर। तो यहाँ पर डेफिनेटली मेरी सलाह बाइंग की ही होगी। ओवरऑल अगर हम इसका फॉर्मेशन देखें तो 6 महीने अगर दे सकते हैं तो एक्सपेक्टेशन यही होगी कि अराउंड 270 के आसपास एक वापस रिबाउंड होना चाहिए। तो फिलहाल जिस तरीके से स्टॉक डिक्लाइन हुआ है, इसका अगर हम डेली आरएसआई देखें तो वहाँ पर एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस नज़र आ रहा है, जो काफ़ी अच्छे संकेत है काउंटर में। एंड जिस तरीके से इसके बाउंस प्लेस्ड है, मुझे लग रहा है 190 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर फ्रेश एडिशंस करने के लिए भी अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छा है एंड 270 एक ऐसा लेवल होगा जहाँ पर उनको अपनी पोजिशन अगले 3 से 6 महीने में रिव्यू करनी चाहिए। तो डेफिनेटली एक अच्छे जोन के आसपास है जहाँ पर फ्रेश एडिशंस की सलाह होगी 190 के स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, तो राय आपको दी गई है पेट्रोनेट एलएनजी पर, फिलहाल अपनी पोजीशन आप होल्ड कर सकते हैं। इसी के साथ एक ब्रेक का वक्त हुआ है, लेकिन ब्रेक में जाने से पहले बात करेंगे सीएनबीसी आवाज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की खास मुहिम इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर के बारे में, जिसका मकसद है निवेशकों के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देना। जब हम किसी ड्राइवर को हायर करते हैं तो सबसे पहले उसका ड्राइविंग लाइसेंस चेक करते हैं। उसी तरह ध्यान रखें कि सिर्फ अधिकृत ब्रोकर्स के जरिए ही डील करें। थोड़ी सी चूक हुई तो ध्यान रखें कि सिर्फ अधिकृत ब्रोकर के जरिए ही डील करनी चाहिए। थोड़ी सी चूक अगर हुई तो उसका मतलब ये है कि आप अपनी जमा पूंजी से हाथ धो बैठेंगे। तो बहुत ज़रूरी है कि एक रिलायबल सोर्स के जरिए अपने निवेश की राशि आप लगाएं, और इसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि किसी भी रजिस्टर्ड ब्रोकर के जरिए ही आप डीलिंग करें, ताकि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है, जो पैसा आप लगा रहे हैं, वो सुरक्षित रहे। तो जितना ज़रूरी एक अच्छे स्टॉक को चुनना है अपने पोर्टफोलियो के लिए, उतना ही ज़रूरी है एक अच्छे ब्रोकर को चुनना। आपके कॉमेंट्स क्या होंगे सिद्धानंद? दीपाली जी, डेफिनेटली ड्यू डिलिजेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। आप जब भी स्टॉक्स भी अक्यूमुलेट करते हैं तो हम रिसर्च ज़रूर करते हैं। उसी तरह आई थिंक काफ़ी ट्रांसपेरेंसी है यहाँ पर ब्रोकरेज में और ब्रोकर्स में भी, तो काफ़ी
सारे वेरिएंट्स है अभी मार्केट में अवेलेबल हैं। जिस तरीके से यू नो एक एक्सेस पॉइंट मिल गया है हर एक क्लाइंट को, हर एक कस्टमर को, अपने ब्रोकर्स को कंपेयर करने के लिए, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर डेफिनेटली ड्यू डिलिजेंस करना चाहिए। एंड काफ़ी बड़े बड़े अच्छे प्लेयर्स हैं जहाँ पर उनको ध्यान देना चाहिए। यू नो यहाँ पर कोई भी दिरंगाई नहीं होनी चाहिए, ड्यू डिलिजेंस काफ़ी नेसेसरी है। एंड आई थिंक यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी हर एक ब्रोकर से मिल जाती है, तो एक रजिस्टर्ड ब्रोकर द्वारा ही निवेश करने चाहिए। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं यहाँ पर, लौटेंगे तो कुछ और सवालों करेंगे शामिल। आप देखते रहिए कल का बाजार। आप देख रहे हैं कल का बाजार और सज्जनानंद उपतेकर हमारे साथ बने हुए आपके सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। विक्रम एक कॉलर है हमारे साथ फोन लाइन पर बातचीत करने के लिए। विक्रम बताइए क्या सवाल है आपका। हेलो मैम। हेलो बताइए क्वेश्चन। मैंने अमृतन जन के लिए थे 10 ईयर 440 440 में, तो अभी क्या होल्ड करना है कि लॉन्ग टर्म के लिए लिया था? अभी पूछ लेते हैं सज्जनानंद क्या करना है। अमृतांजन 440 की खरीदारी है, 408 पर ट्रेड हो रहा है, थोड़ा नीचे इनके खरीदारी के भाव से क्या व्यू होगा? देखिए स्टॉक में क्लियरली एक करेक्टिव वेव ऑनगोइंग है, एक प्रोग्रेसिंग वेव है, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर दिक्कत नहीं है।
बट स्टॉप लॉस काफी क्लियर है यहाँ पर अराउंड 385 का उनको लगाना चाहिए। अगर ये पर्टिकुलर करेक्टिव वेव एग्जॉशन मोड पे है तो डेफिनेटली इसी पर्टिकुलर लेवल से कहीं जाकर रिबाउंड होना चाहिए, बट ये स्टॉप लॉस उनको वीकली बेसिस पे रखना है। तो वीकली बेसिस पे अगर 385 ये लेवल ब्रेक हो जाता है तो थोड़ी सी और दिक्कत आ सकती है एंड ये पर्टिकुलर करेक्शन थोड़ा सा एक्सटेंड होना चाहिए। बट जिस तरीके से ओवरऑल स्ट्रक्चर है मुझे लग रहा है यहाँ पर दिक्कत नहीं होनी चाहिए, हायर टॉप हायर बॉटम सीक्वेंस मेंटेन होगा, थोड़े से कंसोलिडेशन के बाद वापस यहाँ पर अपमूव नजर आ सकती है। तो 385 के स्टॉप लॉस के साथ मुझे लग रहा है उनको पोजिशन अपनी मेंटेन करनी चाहिए। 385 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड रखिए इस पोजीशन को, मृतांजन में बने रहने की सलाह है। ट्विटर के जरिए अजय प्रताप ने सवाल भेजा है स्टार सीमेंट पर। स्टार सीमेंट के 1000 शेयर्स हैं, इनफैक्ट इनके पास 93 परचेसिंग प्राइस और फिलिप्स कार्बन यहां पर 89 का परचेसिंग प्राइस है, 10,000 शेयर्स हैं। तो क्या सजेशन होगा स्टार सीमेंट और साथ ही फिलिप्स कार्बन पर? देखिए स्टार सीमेंट में यू नो एक साइडवेज जोन में ही है काउंटर, इनफैक्ट काफ़ी समय से इस पर्टिकुलर रेंज में लॉक इन है। सो 80 से 95 ये पर्टिकुलर रेंज होगी, सो डेफिनेटली यू नो यहाँ पर 78 के स्टॉप लॉस के साथ उनको अपनी पोजीशन रिव्यू करनी चाहिए। बट ऑन द हायर साइड 90-95 जोन आ जाता है तो वहाँ पर यू नो पोजीशन एग्जिट करने की सलाह दूंगा, क्योंकि जिस तरीके से इसका ओवरऑल स्ट्रक्चर है वो ज़्यादा हेल्दी नहीं लग रहा है। इनफैक्ट बाकी अच्छे विकल्प है जहाँ पर वो फ्रेश निवेश कर सकते हैं, क्योंकि ओवरऑल रैली ऑलरेडी अनलॉक्ड है काफ़ी सारे सीमेंट काउंटर्स पर। एंड जो दूसरा काउंटर है फिलिप कार्बन, राइट, फिलिप कार्बन में भी मुझे लग रहा है कि यहाँ पर थोड़ा सा बेटर हो चुका है। सो 120 जब तक मेंटेन्ड है मुझे लग रहा है यहाँ पर पोजीशन राइड करने में कोई हर्ज नहीं है। एक काफ़ी बड़े जंक्चर पे है अराउंड 145, अगर ये पर्टिकुलर लेवल ब्रेक हो जाता है तो पुल बैक काफ़ी अच्छी तरह एक्सटेंड होगा अराउंड 170-175 तक का। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर जिस तरीके से कंटिन्यूएशन पैटर्न है एग्जिस्टिंग ट्रेंड, तो 120 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहने की सलाह होगी। 145 ऐसा लेवल होगा जहाँ पर उनको अपनी पोजिशन वापस रिव्यू करनी चाहिए। विशाल ने सवाल भेजा है पुणे से। दो स्टॉक्स इनके पास, एक तो टाटा एलेक्सी है जहां पर 296 का परचेजिंग प्राइस है। तो 296 का प्राइस देखते हुए सजदानंद दो चीजें हैं, या तो इन्होंने शायद प्राइस गलत मेंशन किया है, शायद ये 1296 हो, और अगर 296 ही है तो प्रोबेबली इनकी खरीदारी काफी साल पहली होगी, 5-6 साल अराउंड। तो दोनों ही सिचुएशन में पोजीशन तो इनकी प्रॉफिटेबली है, चाहे 1296 की खरीदारी हो चाहे 296 की खरीदारी हो, तो इनको करना क्या है टाटा एलेक्सी में बताइए। देखिए मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि इनकी लॉन्ग टर्म पोजीशन होल्डिंग ही है एंड जिस तरीके से ये पर्टिकुलर स्टॉक के का स्ट्रक्चर प्लेस्ड है इवन ऑन दी मंथली चार्ट, तो यहाँ पर क्लियरली अगर हम शॉर्ट टर्म की भी बात करें, अगले कुछ महीनों की भी बात करें, तो यहाँ से जो रैली अनलॉक हुई है वो मुझे लग रहा है अराउंड 1730 तक तो ईजिली एक्सटेंड होनी चाहिए। एंड जिस तरीके से ओवरऑल ये सेक्टर बजिंग है एंड जिस तरीके से यू नो एक ब्रॉडर स्ट्रक्चर प्रेजेंट हुआ है, तो मुझे लग रहा है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अराउंड 2040-2060 इस पर्टिकुलर जोन में भी जा सकता है काउंटर। सो यहाँ पर डेफिनेटली इनको अपनी पोजिशन यू नो राइड करनी चाहिए। अगर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की भी अगर हम बात करें तो जिस तरीके से ये महीना शुरू हुआ है एंड 1300 का एक इम्पॉर्टेंट लेवल था उसके ऊपर जिस तरीके से कॉन्फिडेंटली इसने ट्रेड किया है, तो मुझे लग रहा है वहाँ पर भी अगर उनकी ट्रेडिंग पोजिशन है तो वहाँ पर भी उनका एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस वो शिफ्ट कर सकते हैं। बट डेफिनेटली स्ट्रक्चर काफ़ी हेल्दी है, अभी तक स्टॉक बिल्कुल भी ओवरबॉट टेरिटरी में गया नहीं है, तो 1730 के एटलीस्ट लक्ष्य के लिए उनको होल्ड करनी चाहिए 1300 के स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, 1300 का स्टॉप लॉस रखिए, होल्ड कीजिए इस पोजीशन को। भुवन पांडे ने एक सवाल भेजा है फेसबुक के जरिए, ग्रेफाइट इंडिया पर इनका सवाल है। 212 के भाव पर इन्होंने 200 शेयर्स खरीदे हुए हैं, और दूसरा गुजरात अपोलो, यहां पर 2838 का परचेजिंग प्राइस है और जो क्वांटिटी वो 87 शेयर्स की है। तो दोनों पर ही बताइए क्या सजेशन होगा आपका सजदानंद, क्योंकि ग्रेफाइट इंडिया और गुजरात अपोलो ये दो शेयर्स हैं इनके पास। देखिए ग्रेफाइट में तो फिलहाल साइडवेज ट्रेंड ही है, अगर अपमूव आ भी जाती है तो अराउंड 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 220 के आसपास है, तो वहाँ पर थोड़ा सा रेजिस्टेंस मिल सकता है काउंटर में, तो फिलहाल तो बने रहना चाहिए। जिस तरीके से स्ट्रक्चर है 180 के स्टॉप लॉस के साथ 180 के स्टॉप लॉस के साथ 220-225 एक रिव्यू जोन होगा। एंड जो दूसरा स्टॉक है गुजरात अपोलो, राइट जी,
आई थिंक मेरे पास क्लोजिंग है अराउंड 230 के आसपास की, एंड जिस तरीके से ये स्ट्रक्चर है मुझे लग रहा है एक काफ़ी इंपॉर्टेंट जंक्चर के आसपास है अराउंड 250-255। ये अगर लेवल ब्रेक हो जाता है तो काफ़ी बड़ा पैटर्न यहाँ पर अनलॉक होगा। लगभग अगर हम इसका रेजिस्टेंस देखें तो 2010 के आसपास का एक रेजिस्टेंस है जो इसने मंथली या वीकली बेसिस पे क्लोज नहीं किया है, तो काफ़ी अच्छी प्रोबेबिलिटी है कि अगर 255 ये जोन निकल जाता है तो काउंटर में अराउंड 150-200 पॉइंट्स की और एक्सटेंडेड रैली आ सकती है। तो डेफिनेटली यहाँ पर गिवन द चॉइस गुजरात अपोलो का स्ट्रक्चर काफ़ी हेल्दी है, सो 205 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहने की सलाह होगी। एंड 255 के ऊपर अगर वीकली बेसिस पे क्लोजिंग एस्टैब्लिश हो जाता है तो मेरी सलाह होगी कि थोड़ा सा और पोजिशन वो अग्रेसिवली एड कर सकते हैं फॉर अ टारगेट ऑफ अराउंड 350-400। ठीक है, अगला सवाल रजनीश ने भेजा है फेसबुक के जरिए ही। नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड यानी NFL के 1400 शेयर्स हैं इनके पास, 42 इनका खरीदारी का भाव है, रख सकते हैं, जानना चाहते हैं क्या करें, तो बताइए NFL पर क्या सजेशन है आपका सिद्धांत? वीक ट्रेंड में है काउंटर, इनफैक्ट पिछले कुछ दिनों में थोड़ी सी गिरावट जरूर आई है काउंटर में, बट 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो एक ही होप है कि अगर यहाँ से रीबाउंड हो जाता है 3350 ये पर्टिकुलर लेवल अगर क्लोजिंग बेसिस पे एस्टैब्लिश हो जाता है तो एक अच्छी पुलबैक रैली मिल सकती है अराउंड 40-45 तक की। उससे ज़्यादा यहाँ पर मुझे लग रहा है आउटलुक नहीं लेना चाहिए क्योंकि ओवरऑल स्ट्रक्चर स्टॉक का काफ़ी वीक रहा है। सो फाइनल टारगेट होगा अराउंड 45 तक का, बट वो तभी अनलॉक होगा अगर 3350 के ऊपर कॉन्फिडेंटली अगले कुछ दिनों में यहाँ पर क्लोजिंग एस्टैब्लिश हो जाती है। तो ठीक है, तो लेवल्स आपको बताए गए हैं उसी के हिसाब से आप प्रोसीड कर सकते हैं। फिलहाल इतने सवाल करेंगे, कोई शो में शामिल कोई डिस्क्लोजर होगा सदानंद आपकी ओर से? दीपाली जी, इट्स बेटर टू अज्यूम दैट सम ऑफ आवर क्लाइंट्स माइट बी हैविंग सम पोजीशंस दैट वी हैव डिस्कस्ड विद। जी, तो चलिए इसी के साथ कल का बाजार में तो इतना ही, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट के लिए CNBC आवाज से आप जुड़े रहिए ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब के जरिए। नमस्कार।